मेरा मतलब है कि हम सिमरन को घर क्यों ले जा रहे? क्योंकि वो बाजवा खानदान की बहू है, वो भाभी है तेरी राज। पर उनकी क्या, उनकी क्या गलती का क्या मतलब है राज? रमन ने शादी की थी उससे, ये सच हम कैसे भूल सकते हैं? और जब पवनियों की एक लड़की दावे के साथ बाजवा के घर की बहू बनकर रह सकती है, तो दूसरी क्यों नहीं रह सकती? राज, इसलिए मैंने पूरी पंचायत के सामने ये कहा कि सिमरन हमारे साथ हमारे घर में रहेगी। वो बात अलग है कि वो पागल हो गई है अभी, उसका दिमाग नहीं चलता, लेकिन क्या करे, जब पता चल ही गया है कि वो जिंदा है तो वो हमारी जिम्मेदारी हुई ना, संभाल लेंगे उसे भी। मुझे और कुछ नहीं सुनना, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरे रमन वीर जी सिमरन से प्यार करते थे, पूरे दिल से। एक बात समझ लो, मैं प्रीत के खिलाफ जा सकता हूं, लेकिन अगर सिमरन दीदी को एक भी खरोंच आई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना घटिया खेल खेला तूने कि तेरी तारीफ करने के लिए शब्द ही नहीं है मेरे पास। एक बार भी नहीं सोचा ना राज, इस तरह सिमी दीदी को पंचायत के सामने घसीटते हुए। देख प्रीत, मेरी कोई ठीक है, तू बोल रही है ना, खेला खेला मैंने खेल, खेल खेलने का हक सिर्फ तुझे नहीं है प्रीत, मुझे भी है।